जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज मैं बताने वाला हूं कि यदि आपके हाथ में ये मत्स्य रेखा है तो आप करोड़पति बन सकते हैं। जी हां, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए, मछली की तरह बनी हुई जीवन रेखा के साथ जुड़ी हुई यदि ऐसी रेखा आपके हाथ में है तो आप जिंदगी में वह सब पा सकते हैं जिसकी आप कामना करते हैं। यदि पुत्र नहीं है, पुत्र होगा। यदि कर्ज है, कर्ज उतर जाएगा। यदि पैसा चाहते हैं, पैसा होगा। व्यापार को बहुत बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा सकते हैं। यानी सब कुछ आपको मिल सकता है यदि ऐसी रेखा आपके हाथ में है तो। अब सवाल उठता है कि ऐसी रेखा है तो सब कुछ मिला क्यों नहीं? मिला इसलिए नहीं कि हमने इस दिशा में कोई उपाय नहीं किया है, क्योंकि जन्म कुंडली के ग्रह अपनी तरह के होते हैं। वो हम जन्म कुंडली देखकर योग भी बताते हैं कि बड़े से बड़ा योग कौन सा है। जैसे जन्म कुंडली में किसी के बहुत अहम योग बैठ जाता है जो उसे बहुत आगे ले जा सकता है, परंतु बुरे ग्रह यदि उसको देखते हैं तो व्यक्ति तरक्की नहीं करता है। जैसे विदेश जाने का योग है, परंतु यदि उस पर बुरे ग्रह बैठे हैं तो विदेश जाने की तरफ ध्यान जरूर जाएगा परंतु जा नहीं पाएंगे, और यदि कहीं चले गए तो वहां सफल नहीं होंगे। ऐसे ही ये मच रेखा है, ये आपको सब कुछ देती है, पैसा, धन दौलत, औलाद, सुख, शांति, इज्जत, शोहरत। लेकिन इसके लिए आपको एक उपाय करना है कि आप मछलियों को दाना डाला करें, यानी मछलियों को कुछ खिलाएं। घर में या तो एक्वेरियम रख लें और मछलियों की सेवा करें, या फिर आप किसी सरोवर में जाकर, नदी में जाकर मछलियों के लिए कुछ डाला करें। ऐसा करने से आपको बहुत लाभ होगा, और सुबह उठने के पश्चात अपने हाथों को देखिए और अपनी इस मच्छ रेखा को अपने माथे पर, मस्तिष्क पर, फोरहेड पर लगाइए। प्रतिदिन इस रेखा के दर्शन करने से आपका भाग्य उदय होने लगेगा, मछलियों की सेवा करने से भाग्य उदय होने लगेगा। तो आप ये करें, फिर देखिए आपको कितना लाभ मिलता है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, अपनी समस्या का निवारण चाहते हैं या अपनी जन्म कुंडली ही दिखाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर, जो मेरा ये नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लिख कर भेज दीजिए। कृपया कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जवाब आपको मिल जाएगा। जय साईं राम।